पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हम लोग लेंगे मस्टर्ड ऑयल, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, अब इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें नमक, इसे भी अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। अब 200 ग्राम बोनलेस चिकन पीसेस को इसमें हम लोग ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। आखिरी में हम लोग डाल रहे धनिया पत्ता और इसे भी हम लोग चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे हम लोग 30 मिनट तक अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। उसके बाद एक पैन में हम लोग लेंगे बटर और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और इसे अच्छे से हम लोग मेल्ट कर लेंगे और गरम कर लेंगे। अब हमारे मैरिनेट चिकन पीसेस को इस पैन में डाल देंगे। आप देख सकते हैं चिकन पीसेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब जितना भी ग्रेवी हमारा बच गया उसको अच्छे से हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम लोग कुक करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन हमारा 80% हो चुका है। आप चाहे तो एक नाइफ की हेल्प से इसे चेक कर सकते हैं। अब हमारा चिकन पीस हो गया है, ऑलमोस्ट रेडी है। अब गैस को ऑफ कर लेंगे। ग्रेवी भी हमारा रिड्यूस्ड हो गया है। अब हम पिज़्ज़ा के बेस को बनाने के लिए पिज़्ज़ा के डो को अच्छे से अपने हाथों में इस तरीके से कर लेंगे और इसे एक नाइफ़ की हेल्प से दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब इसमें से एक को हम लोग साइड कर लेंगे। अब एक को हम लोग अच्छे से अपने हाथों से शेप कर लेंगे, शेप में लेकर आएंगे और मैदे को थोड़ा बोर्ड में डश करेंगे और अपने हाथों से थोड़ा इसको फैला देंगे इस तरीके से। उसके बाद बेलन की हेल्प से हम लोग इसे अच्छे से बेल लेंगे, सर्कल करेंगे हम लोग अच्छे से और इवनली करेंगे, चारों तरफ हम लोग इक्वली अच्छे से कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग को करना है अच्छे से धीरे धीरे। तो इतना बड़ा साइज़ मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा का। मेरा ये एक एल्यूमिनियम का प्लेट है, इसमें मैं इसे अब इसको प्लेस कर दूंगी। अब देख सकते हैं परफेक्ट साइज़ हो गया है। अब इसे मैं क्या करूंगी, साइड में अपने हाथों से इस तरीके से हम लोग कर लेंगे अच्छे से, जैसे पिज़्ज़ा के लिए करते हैं। उसके बाद एक फोक के हेल्प से हम लोग इसे इस तरीके से कर देंगे ताकि ये बीच में फूल ना जाए। उसके बाद पिज़्ज़ा का सॉस हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो चारों तरफ अच्छे से इवनली इक्वली हम लोग अच्छे से इसे डिस्ट्रीब्यूट करके अप्लाई कर देंगे पिज़्ज़ा के बेस के ऊपर। तो अगर आपको पिज़्ज़ा के सॉस का रेसिपी देखना है या कैसे बनाते हैं तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि हम पिज़्ज़ा सॉस कैसे बना सकते हैं। अब चारों तरफ अच्छे से हम लोग अप्लाई कर देंगे, ये हो गया है। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। तो इसको हम लोगों ने ग्रेट कर लिया है और इसको अच्छे से हम लोग चारों तरफ अच्छे से डाल देंगे। तो ये अमूल का मोज़रेला चीज़ है। अगर आपको बाय करना है तो इसका परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अच्छे से हम लोग चारों तरफ डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे ये ग्रीन कैप्सिकम, तो मैंने रफली इसे चॉप किया था। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्लेस कर देंगे चीज़ के ऊपर।
नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ उसमें रफली चॉप टोमेटोस, आप चाहे तो कॉर्न भी डाल सकते हैं। इस तरीके से जहाँ जहाँ गैप है मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ये हमारा ब्लैक ऑलिव है, ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, तो अगर आपको ब्लैक ऑलिव लेना है तो उसका भी परचेज़ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये ब्लैक ऑलिव अच्छे से हम लोग चारों तरफ इसे डाल देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे हमारे चिकन पीसेस। अच्छे से हम लोग चिकन पीसेस को चारों तरफ डाल देंगे। अच्छे से हम लोग ने चिकन पीसेस को डाल दिया है। अब लास्ट हम लोग इसमें ऐड करेंगे मिक्स्ड हर्ब्स। इसका भी अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट एक कढ़ाई में हम लोग ले रहे हैं सैंड, उसके ऊपर हम लोग ने रखा है ये स्टैंड, और अब इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे हमारा पिज़्ज़ा। तो केयरफुली हम लोग इसको प्लेस करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग कवर कर लेंगे और इसको 15-25 मिनट्स मीडियम टू लो फ्लेम में कुक करेंगे। और बीच में आप चाहे तो एक नाइफ की हेल्प से इसे चेक कर सकते हैं ये हुआ है या नहीं। तो पिज़्ज़ा हमारा हो गया, इसको मैंने निकाल लिया है। अब एक चम्मच की हेल्प से इसे मैं नीचे से स्लाइटली निकाल रही हूँ। अच्छे से चारों तरफ मैं इसको निकाल लूँगी, साइड्स क्लियर कर लूँगी। उसके बाद इसे हम लोग प्लेस करेंगे इस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। अच्छे से इसको हम लोग प्लेस करेंगे। अब इसको हम लोग अच्छे से कट कर लेंगे। तो मैंने पिज़्ज़ा को कट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा कितना अच्छा दिख रहा है, कितना चीज़ी दिख रहा है। सारे जो आप देख सकते हैं चिकन हो, टोमेटोज हो, ग्रीन कैप्सिकम हो या ऑलिव्स हो, कितने अच्छे हुए हैं, सब अच्छा से कुक हो चुका है। और आप इसका बेस भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा हुआ है, इसका बेस अच्छे से कुक हो गया हमारा बेस। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।